हाँ जी, देखेंगे। अब हम आईएसओ प्रॉफिट मेथड पर आ चुके हैं एलपीपी के, और आईएसओ प्रॉफिट मेथड में क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपके वो चार स्टेप तो आपके सेम रहने वाले हैं। स्टेप नंबर वन, आप इसके जो है इक्वल्स टू इक्वेशन बना कर देखिए, आप यहां पर क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। स्टेप नंबर टू, पहले टेबल बनाएंगे स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू ग्राफ बना के शेडेड एरिया बना लेंगे। स्टेप नंबर थ्री, कॉमन आप जो है एरिया जिसपे कि हर जगह पर आपका शेडेड आ रहा है। तीन स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप से आपका ये चेंज होगा। तो सबसे पहले हम वही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस टू एक्स प्लस वाई, इसको आप इक्वल्स टू करें फोर, और यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप एक्स टेबल आप वैल्यू अप्लाई करें, दिया टॉपिक जो है वो हो जाएगा आपको सैटरडे को ही हो जाएगा वो टॉपिक, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में डाल के करवा दूंगा उसको मैं, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नया फॉर्मूला ही नहीं है, उसी से रिलेट होना है बस। हाँ जी, देखिएगा ये हमारे पास में क्या है, x है और ये हमारे पास में y है। तो x के इक्वल्स जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, फोर, एंड y अगर जीरो पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का टू। ठीक है जी, ग्राफ बना लेते हैं। जी ओरिजिन है ये हमारे पास में, x एक्सिस है, y, y डैश, x डैश, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। आइए एक्स जीरो पे क्या है, वाई फोर है, एक्स जीरो है तो वाई क्या हमारे पास में फोर है, दिस वन, और क्वेश्चन कहाँ गया इस पे से, चलो दोबारा फिर यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। हाँ जी, देखिए जरा आपके पास में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। आज हम जो है आपका जो टॉपिक आपके साथ में रहने वाला है, क्वेश्चन यार पीडीएफ को दोबारा लाना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाओ, होल्ड करो। हेलो, हाँ जी, देखिएगा आइसो प्रॉफिट मेथड, अब मेथड टू पर हम आ चुके हैं।
कि आईएसओ प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में वो स्टेप्स कॉमन रहेंगे, स्टेप नंबर वन टेबल बनाना, स्टेप नंबर टू ग्राफ बनाना, स्टेप नंबर थ्री शेडेड एरिया बनाना और कॉमन शेडेड एरिया देखना। ये चार स्टेप्स आपके पहले कॉमन रहेंगे। पहले हम इस चार स्टेप को पूरा कर लेते हैं लास्ट क्लास की तरह। आप भी साथ साथ करते रहिए, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, साथ साथ अगर आप करते हैं इसको तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। तो क्या हमारे पास है, माइनस सॉल्व करते साथ साथ आप करते रहो, ठीक है। पहले चार स्टेप को फुलफिल कर लो। माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर और टेबल बना दीजिए इसको। टेबल बनाएंगे आप एक्स वाई, ठीक है। अब मेरे पास में एक्स की जगह पर अगर मैं जीरो अप्लाई कर देता हूं तो वाई की वैल्यू फोर हो जाती है, और वाई की जगह पर जीरो मैं अगर अप्लाई कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू माइनस टू हो जाती है। अब यहीं पे हम साथ के साथ क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये ओरिजन है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव, ये लेफ्ट पे सारे माइनस के होंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और एक्स जीरो है, ये एक्स है जीरो एंड वाई फोर है, एक्स है वाई है। तो आपके पास में क्या है, एक्स जीरो वाई फोर, दिस वन ये है एक पॉइंट, और दूसरे पे माइनस टू पे जीरो है, एक्स माइनस टू एंड वाई जीरो है। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से हैंड रेस करते रहेंगे ना तो क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब आप यहां पर इस चीज को देखें, आपके पास में ये रहेगा, और अब इसको ग्राफ, इसको अगर आप बनाएंगे तो आपके पास में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास में ये है, दोनों पॉइंटों को आप जो है कनेक्ट कर देंगे। कहां से किसकी समस्या आ रही है तुम? हाँ जी, अब यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं इस ग्राफ को बनाएंगे तो डॉटेड में आपको ग्राफ बनाना है, डॉटेड में आप ग्राफ बनाएंगे दिस वन, इस तरीके से, क्योंकि इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ है, ये इन इक्वेशन से ड्रॉ हुआ है बेसिकली देखा जाए तो। अब ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे तो इसके इस तरफ या इस तरफ का कोई भी आप कोऑर्डिनेट अप्लाई कर दो, इस तरफ का जीरो जीरो इजी रहेगा, तो अगर आप इसमें जीरो जीरो अप्लाई करते हो तो ये आपका जीरो लेस देन इक्वल टू फोर, तो आपका ट्रू हुआ, तो आपका ये इस तरफ जो है आपका शेडेड एरिया बनेगा, ठीक है जी, क्लियर है। दूसरी चीज आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, सॉल्व करेंगे इसको, आप टेबल बना लीजिए अपना x और y के लिए, x जीरो डालेंगे तो y थ्री एंड y जीरो डालेंगे तो x थ्री हो जाएगा आपका, क्लियर है, कोई डाउट? तो अब आप देखेंगे यहां पर हाँ जी आप देखेंगे रहे यहां पर, तो x आपके पास पे क्या है जीरो और y क्या है थ्री, और x हमारे पास पे थ्री है एंड y क्या है जीरो, ये आपके पास पे एक लाइन आ गई, ठीक है। x आपके पास पे जीरो y थ्री एंड थ्री पे जीरो, अप्लाई करते हैं जीरो जीरो इस इक्वेशन में रख के देखते हैं कि अगर हम इसमें जीरो जीरो रखेंगे तो आपके पास पे क्या आ रहा है, जीरो एंड जीरो, तो जीरो फॉल्स आ रहा है आपका कि आपने इस लाइन के इधर रखा है, इस लाइन के इधर वाले कोऑर्डिनेट रखे थे आपने, तो फॉल्स हुआ, तो ये आपका काम। अब है ना कॉमन वाला बनाया करो, सब पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, चलो कर लो, अब आप कर रहे हो तो
वैसे तो मैं इस पर यही ड्रॉ करना था हमें, क्योंकि वो वाला तो पहले रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वहां पर आपका जो है ऑरेंज लाइन गया है और ऑरेंज शेडो आपका गया ही नहीं है। अब चलिए थर्ड हम करते हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 2, एंड इसके लिए टेबल ड्रॉ कीजिए आप। एक्स एक्स और ये वाई आपके पास में हो गया, और यहां पर आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, -1, और वाई अगर आपने 0 अप्लाई कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। तो 0 पे -1, एक्स 0 है तो -1 दिस 1, और एक्स 2 है तो वाई 0, एक्स 2 पे वाई 0 दिस 1। ये लाइन आपने ड्रॉ करा। अब यहाँ के इसके एक तरफ का मतलब कोऑर्डिनेट 0 आप अप्लाई करके देखिएगा तो ये बिल्कुल ट्रू हो रहा है, क्लियर है जी, इसके इस तरफ ट्रू हो रहा है, 0 अप्लाई करने पर दिस 1 ऐसे जाएगा। वह खैर कॉमन एरिया क्या निकल के आ रहा है अभी तक ध्यान रखिएगा, ये एरिया कॉमन निकल के आ रहा है, क्योंकि ये भी लाइन आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई है, क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन आपने कौन सा ड्रॉ किया था, क्लियर है ना। फर्स्ट लाइन आपने ड्रॉ किया था 0 और 4 का, ये आपकी लाइन फर्स्ट थी, ठीक है। उसके बाद आपकी ये लाइन सेकंड थी और ये लाइन आपकी थर्ड थी, क्योंकि बाद में हमें इसकी नीड होगी, तो पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन कौन से हमने ड्रॉ करी है। उसके बाद आपके पास में ये है, तो कभी भी एक्स और वाई 0 तो मत क्या करो, क्योंकि पता है कि एक आपका इस पर ही आएगा, एक इस पर ही आएगा, इसको नीड करने की जरूरत है नहीं, इसके शेडो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मालूम है कि इसका शेडो ऑलवेज जो है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में आएगा, तो इसमें इतना कंफ्यूज और टाइम देने की नीड नहीं है आपको। इसके बारे में आप ये मान सकते हैं कि जो है इसका शेडो जो है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में आएगा, दिस वन ऑलवेज ऐसा रहता है। तो जो एक कॉमन एरिया जो निकल करके आपका आया है, वो कॉमन एरिया क्या निकल करके आपका आया है, कॉमन एरिया अगर आपको मैं बताऊं, एक कॉमन एरिया अगर आप देखते हैं तो आपका ये एरिया जो है, ये एरिया आपका एक कॉमन एरिया निकल करके आया है, देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया आपका कॉमन एरिया है, ये एरिया आपका जो है एक कॉमन एरिया है आपका, क्लियर है जी, ये समझ में आपको आया या नहीं आया, कोई डाउट। तो ये एरिया पूरा आपका एक कॉमन एरिया है, बस एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दिस वन, ठीक है जी, ये कॉमन एरिया आपका है। चलिए नॉर्मल पेन पे आते हैं, अब सॉल्व कैसे होगा ये, अब बच्चे आपको क्या करना है, अब अपने जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास में है, लाइक जैसे कि जेड इक्वल्स टू 3x+5y है, तो x का कोफिशियंट क्या है 3 और y का कोफिशियंट क्या है 5, तो आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा इसका 15, इसका एलसीएम आएगा, ठीक है जी, जो एक्स का कोफिशिएंट है जो वाई कोफिशिएंट है इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 एलसीएम आएगा। बस आप अब इस जेड की जगह पर क्या अप्लाई कर देंगे, 15 इक्वल्स टू 3x+5y। अब यहां पर भी आपको एक लाइन और आपको यहां पर ड्रॉ करने की नीड है, ठीक है जी, एक्स और वाई मैं क्या करा, मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या आया इसमें आपके पास में आइसोप्रॉफिट मेथड में, एक काम आपने एक्स्ट्रा करा है, वो काम क्या करा है आपने कि आपके पास में जो जेड फंक्शन था, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसमें एक्स का जो आपका कॉफिशेंट है और वाई का जो कॉफिशेंट है, इस कॉफिशेंट को लेकर के इसका आपको एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वो जेड के इक्विवेलेंट आपको उसको रख देना है। अब यहां से एक आपके पास में इक्वेशन डेवलप हुआ है, इस इक्वेशन से आप पॉइंट अप्लाई करेंगे, जैसे आपने अभी तक पहले किया हुआ है, 0 करेंगे तो y=3 एंड y=0 कर देंगे तो आपके x=5। अब यहां से एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा, अब लाइन 0 पे 3, x 0 पे 3 यही लाइन आया है, ठीक है, और x 5 है तो 0 5 पे 0 एक ही लाइन आपका ये आया है। अब इस लाइन को आप कनेक्ट करेंगे दिस वन, जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे ये लाइन, और ये बात समझ में आपको आया, कॉमन एरिया क्या है वो तो आपको पता ही है, क्लियर है ना। अब आपके पास में कॉमन एरिया कहां तक है इस चीज को जरा समझिएगा, कि आपके माइंड में वही रहने वाला है, कॉमन एरिया आपका येलो नहीं है ना, ग्रीन पिंक, कॉमन एरिया आपका जो है बच्चे वो ये
ठीक है, इस तरफ से ये आपका कॉमन एरिया है, ये जो पिंक लाइन से मैंने करा है, ये आपका कॉमन एरिया है जो कि पिंक लाइन से आपको दिख रहा है, दिस वन। ठीक है, अब आपने जो अपने रेड लाइन ड्रॉ करी है, आपने इस अगर आपको मिनिमाइज कर निकालना है, मिनिमाइज करना है, तो आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ड्रॉ किया है उसके आपको लेफ्ट साइड में पैरेलल शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड में आप उसी के क्या करोगे, पैरेलल लाइन शिफ्ट करोगे। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज होता तो मैं इस रेड लाइन के राइट साइड में पैरेलल शिफ्ट करता, मिनिमाइज में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, बिल्कुल पैरेलल। और पैरेलल वहां तक लेकर के जाएंगे जहां पर शेडेड एरिया आपका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो आप तो शेडेड एरिया एंड कहां हो रहा है, यहां पर देख रहे हैं ना, बट पैरेलल होने चाहिए। ये लाइन आपका हो रहा है एंड, क्लियर है, और ये लाइन आपके पास में एंड हो रहा है। तो ये क्या, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन टू एंड लाइन थ्री। ये कितने लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन टू का दिस वन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये लाइन टू है और ये आपके पास में लाइन थ्री, तो लाइन टू एंड लाइन थ्री का। तो आपका ये इंटरसेक्शन, यहाँ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, आपको पता है कि कभी भी जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रहे हो तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करोगे, उन दो लाइनों की जो इक्वेशंस है उसको आप एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करके एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर दो, और जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर है, मैं फिर से आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहां पर कि क्या किया मैंने। ठीक है जी, अब देखिएगा क्या किया मैंने, कि मैंने सबसे पहले एक जेड फंक्शन लिया जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब जेड की जगह वैल्यू क्या रिप्लेस होगी, 3 और 5 का एलसीएम, 15 15 रहेगा, और एक लाइन ड्रॉ करा, ये जो है रेड लाइन ड्रॉ हुई है। मिनिमाइज निकालना है तो रेड लाइन को पैरेलल लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करो, और बहुत आप शिफ्ट कर सकते हो, आप ये भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको वहां तक शिफ्ट करना है जहां पर उसके बाद आपका जो है आप इस कॉमन एरिया से बाहर निकल जाओ। आपका कॉमन एरिया है कितना, कॉमन एरिया आपके पास में ये कॉमन रीजन आपका ये है, ये पता होना चाहिए आपको पहले। ये तो आपके फाइनली, अगर आप इसको पहले शिफ्ट करोगे और ऐसे शिफ्ट करो कि उसके वो बाहर, उसके बाद आप जाओगे तो बाहर हो जाए, एंड पॉइंट आपके ये पॉइंट, ये एंड होगा आपका दिस वन। और ये क्या है, ये लाइन टू और लाइन थ्री का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन टू और लाइन थ्री का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करेंगे, अब इन दोनों को आप एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर दो, इसको लाइन टू एंड लाइन थ्री, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, एंड आपके पास में आ गया, सॉरी लाइन टू क्या हमारे पास में, हाँ 1 2 3, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री एंड एक्स माइनस 2 वाई इक्वल्स टू टू। सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करेंगे दिस वन, एंड ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, तो कट गया आपके पास में, तो 3 वाई इक्वल्स टू वन एंड वाई इक्वल्स टू क्या हुआ आपका, 1/3 हो गया। ठीक है जी, और ये y की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो x की वैल्यू निकाल लोगे आप, क्लियर है जी। तो आपके पास में साइन पहले चेंज कराना ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। ये सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता है तो बता दीजिए कमेंट करके, इसी क्लास में आपको अलग से दे दूंगा। तो ये कट गया आपका वाई और ये प्लस 2 वाई, 3 वाई इक्वल्स टू आपका 1 हो गया, एंड वाई इक्वल्स टू 1/3 हो गया, तो वाई इक्वल्स टू आपके पास में 1/3 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स के लिए, तो एक्स प्लस 1/3, तो 3 माइनस 1/3, तो एक्स इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 9 और -1, तो क्या हो गया 8/8 आपके पास में 3 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या हो गया 8/3। तो बस आपको अब क्या करना है कि आपको मिनिमाइज करने के लिए जो जेड इक्वल्स टू गिवन था, जेड इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू क्या निकाली है आपने, एक्स की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर 8/3, और आपके पास में है प्लस 5 वाई, वाई की वैल्यू क्या निकाली है आपने, y की वैल्यू निकालनी है 1/3। तो सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर, आपके पास में 8 प्लस 5/3, तो 24 और 5, 29/3, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है जी, हाँ क्लियर है। तो इस तरीके से बस मैं ना एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्या सारे स्टेप कॉमन है, इस जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन से भी एक लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन आपको मिनिमाइज है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है पैरेलल, और अगर मैक्सिमाइज फंक्शन है आपका, मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है तो उसको राइट वर्ड अपवर्ड ऊपर की तरफ आपको राइट वर्ड शिफ्ट करना है आपको पैरेलल।
और ये पैरेलल आप तो बहुत आगे और बहुत पीछे शिफ्ट कर सकते हो, तो आप पैरेलल पीछे आप वहां तक शिफ्ट करें जहां पर वो आखिरी पॉइंट हो, जिसके बाद आप जाने से आप अपने कॉमन रीजन से बाहर हो जाएंगे, तो वो लास्ट पॉइंट का है वहां पे जाइए। वो लास्ट पॉइंट जरूर दो लाइनों के, दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। अब वहां से आप अपने एलिमिनेशन मेथड से निकाल करके सॉल्व कर सकते हो, इसको हम आइसोप्रॉफिट मेथड कहते हैं। लेकिन अगर आपको गिवन है आइसोप्रॉफिट मेथड, तभी आप आइसोप्रॉफिट मेथड अप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन साइलेंट है, कोई मेथड गिवन नहीं है, तो आप कॉर्नर पॉइंट मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था इसके बारे में। क्लियर है जी, बात समझे, कोई डाउट? हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पांच मिनट में आपको दे रहा हूं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फटाफट जल्दी से, पांच सात मिनट में जो है एक बार आप पहले ट्राई कर लीजिए। दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। कल से फिर हम अपने जो है इक्वेशंस को डेवलप करेंगे, टू वेरिएबल इक्वेशंस कैसे क्रिएट होगा। चलिए मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन, सब करते रहेंगे, देखते हैं आपकी क्या वैल्यू आती है। देखो जी, सबसे पहले आपके पास में आपको ये मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और एक्स आपके पास में फर्स्ट आपका जो है इक्वेशन, इन इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई, इसको आप इक्वेशन में कर लो इक्वल्स टू 100। आइए इसका टेबल आप बनाएंगे, आप एक्स और वाई की जगह पर जो आपके मन में आए वो नंबर आप रिप्लेस कर सकते हैं, बट आप जब कुछ भी रख सकते हैं तो वो रखो जिससे कि आपके लिए ईजी रहे, कन्वीनियंट रहे। तो x की जगह पर अगर आप 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, ठीक है, और y की जगह पर अगर आपने 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, 100। अब इसके ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो आपका ठीक है, ये अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो 0, अब यहां आपके पास में क्या है, 50 100 बड़े नंबर है तो इधर से बात तो बनेगी नहीं, तो आप बड़े इंटरवल्स को ले सकते हैं, लाइक आप 20 20 का ले सकते हैं, 10 10 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 10 का ले लीजिए आप, 10 20 30 40 50, लेकिन आपके पास 100 भी है ना, तो 20 का ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ज्यादा हमें बड़ा ग्राफ तो करना नहीं ना, 20 40 60 80 100, -20 -40 -60 -80, अगर यहां पे देखें आप तो आपके पास में क्या रहेगा, 20 40 60 80 100, ठीक है। अब आप यहां सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, -20 -40 -60 -80 -100, ठीक है। तो भैया 0 पे 50 है वाई, तो वाई जो है वो पहले एक्स 0 है तो वाई 50 है, तो 50 तो यहां होगा दिस वन, और उसके बाद जो है ये 0 पे 50, और x जब 100 है तो y 0 है, x जब 100 है तो y 0 है, ये इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे दिस, ठीक है, ये लाइन आपने क्या करा, ड्रॉ कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। ओरिजिन अप्लाई करते हैं, अगर आप यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में 0 0 तो 0 ग्रेटर फॉल्स हो गया ना आपका फर्स्ट वाला, तो अपर बनेगा ना आपका, ये देखिएगा, अगर आप x भी 0 रख दें y भी 0 रख दें तो क्या 0 ग्रेटर होता है 100 से, नहीं होता, फॉल्स हो गया इधर वाला, ठीक है जी, इधर वाला फॉल्स हो गया, तो कहां बन रहा है आपका, ऊपर बन गया शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आपके पास में क्या रहा, 2x - y इक्वल्स टू 0, सॉल्व करते हैं इसको आप x और y के लिए,
अगर आपके पास में वाई, अगर आप चलिए एक्स अगर आप 0 रख देंगे तो वाई क्या आया आपके पास पे, अगर आपने एक्स 0 रखा तो वाई भी आपका 0 रहा, तो पहला ओरिजन ही हो गया। और अगर आपने वाई 0 रखा तो एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो आपके पास में 0 0 हो गया, तो इस लाइन में तो आप किस तरीके से बनाते हैं, कुछ जब भी आपका 0 0 होता है एक्स वाई तो ऐसे लाइन चली जाती है। अब आप तो या तो इसके इधर का कोई कोऑर्डिनेट रखें, तो इसके इधर का कोई कोऑर्डिनेट रखें, और आप इसके इधर का कोई भी कोऑर्डिनेट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। ये रख लो जिसपे क्या -40 और 0 है, तो अगर -40 अगर आप रखते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, -80 और -0। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ठीक चल रहा है। तो आपके पास पे कॉमन जो एरिया आ रहा है लगभग लगभग आपके पास में दिस, ये एरिया कॉमन जाएगा ना आपका, ऊपर का, नीचे का छोड़ दो, वहां तो आपका ये लाइन रिजेक्ट ही हो गया। क्लियर है? तो ये आपका ट्रू हुआ ना कि माइनस आपका छोटा होता है 0 से। उसके बाद थर्ड लाइन अगर आप सॉल्व करते हैं तो थर्ड लाइन में आपके पास में 2x+y और इक्वल्स टू 200 है। सॉल्व करेंगे आप यहां पे एक्स और वाई के लिए, तो वाई क्या हो गया 0 और एक्स क्या हो गया आपका 100। और अगर आपके वाई 0 तो एक्स 100, और आपने एक्स अगर 0 रख दिया तो वाई क्या हो गया आपका 200, ज्यादा हो जाएगा ये तो, है ना? क्लियर है? तो इससे अच्छा क्या है, एक्स हम 50 रख देते हैं ना, 100, तो वाई 100 होगा, एक्स चलिए 50 रख देते हैं। अभी इसमें से काम करना है, हमें क्या दोबारा ग्राफ मिटाएंगे, एक्स 50 रखेंगे 100 तो वाई क्या आ जाएगा मेरे पास में 100। ठीक है जी, तो क्या हुआ, 100 पे 0, 100 पे 0। नेक्स्ट पॉइंट 50 पे 100 जब एक्स 50 है दिस वन, और तो वाई क्या आपका 100। ये अब हम क्या करेंगे, क्या डॉटेड लाइन होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं आपको। अब आप यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड में आप क्या करो, इसके इस तरफ का कोई भी कोऑर्डिनेट 0 0 पुट कर दो, तो ट्रू हो रहा है आपका, तो ट्रू हो रहा है तो लाइन इस तरफ जाएगा आपका, तो आपका कॉमन एरिया तो आपको यही मिलेगा ना, जो ये बाकी को तो छोड़ दो ना आप, उसको फायदा क्या यहाँ पे ला करके, वो तो पहले रिजेक्ट है, वहां पर आपका स्काई ब्लू लाइन आया नहीं है। तो ये आपका लाइन जो है आपका कॉमन एरिया आपका निकल करके आ रहा है। क्लियर है जी? अब यहां पर आपके पास में फाइनली रहा एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में तो कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हाँ लाइन को थोड़ा डार्क बना के दिखा देना, बस फॉर्मेलिटीज है तो करनी पड़ेगी भैया। क्लियर है? कॉमन एरिया आपका इधर ही फर्स्ट क्वाड्रेटिक में आएगा, तो आपका वही एरिया आपका कॉमन जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, सबसे पहले ये जेड का, तो जेड का क्या है, एक तो एक्स का कोफिशियंट क्या हुआ 1, वाई का कोफिशियंट 2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 वाई, तो मतलब एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो टेबल बना लेते हैं इसके लिए भी, ठीक है जी? तो एक्स और वाई तो सॉल्व करेंगे एक्स और वाई, तो वही वाली बात आ जाएगी आपके पास में कि अगर एक्स 0 रखेंगे तो वाई क्या आ गया आपके पास में, एक्स 0 तो वाई आपके पास में 1 आ गया, और यहां पर अगर आप वाई 0 रख दोगे तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये 1 और 2 तो आपके पास में टेबल में बड़ा बहुत ही माइनर सी चीजें मिलेंगी। चलिए एक्स 0 वाई 1, तो वाई 1 बिल्कुल यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है? स्केल से देखना पड़ेगा, और आपके पास में एक्स 2 और वाई क्या आपके पास में 0, x2 y0, तो x2 बस यहां पर और y क्या रहेगा 0, ये लाइन आपकी, एक लाइन बिल्कुल बारीक सी आपकी बिल्कुल नीचे से लाइन जाएगी। और यहां पर अगर आप 0 0 अप्लाई कर देते हैं, यहां पर तो कुछ नहीं, अब ये लाइन आपको अपवर्ड लेकर जाना है एज अ पैरेलल शिफ्ट करना है, ये लाइन क्या करना है आपको एज अ पैरेलल ऊपर आपको शिफ्ट करते रहना है जब तक कि आप कॉमन एरिया से बाहर नहीं निकल जाते। तो कॉमन शिफ्ट करते रहेंगे एज अ पैरेलल दिस वन ग्रीन लाइन, इसको ऊपर लेके जाओगे जाओगे जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके बाद आप जो है अपने कॉमन एरिया से बाहर आ जाओगे। ये लाइन ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, आप येलो लाइन और आपके स्काई ब्लू लाइन, इसलिए लाइनों के नंबर आप स्टार्टिंग से देते चले और उसके कोऑर्डिनेट्स को आप अप्लाई कर देंगे। क्लियर है जी? बीस फोर्टी के ले लो, कोई दिक्कत नहीं लाइन, बट ड्रो ऐसे ही होगी आपकी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, तो खैर इसमें कितने क्वेश्चन हुए हैं, और भी क्वेश्चन थे यार इसमें, तो एक क्वेश्चन देख लेता हूं।
देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या हमारे पास में, जेड इक्वल्स टू, जेड इक्वल्स टू मैक्सिमाइज करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है किसको, जेड इक्वल्स टू 15x1 प्लस 10x2, ठीक है जी। और इक्वेशंस आपको गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन 4x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल्स टू 360, और इसी तरीके से इक्वेशन टू है आपका रहेगा 3x1 लेस देन इक्वल्स टू 180, और इसी तरीके से आपके पास पे रहेगा इक्वेशन थ्री 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 200, और आपके पास में रहेगा x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में कुछ इक्वेशंस गिवन है। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए जरा आप कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर तो वाई है ही नहीं, बट कोई बात नहीं, वाई नहीं है तो आप, आपके पास में पहला इक्वेशन क्या है, 4x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 360, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर ले, एक्स एंड वाई। अब आप सॉल्व करेंगे एक्स की जगह पर अगर आपने जीरो अप्लाई कर दिया, एक्स वन एक्स सॉरी वाई तो है नहीं आपका, तो ये आपका एक्स और वाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका इसका एक्स वन है और एक्स टू है, तो बस एक्स वन अगर जीरो रख दोगे तो एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 60 आ जाएगी, और यहां पर आप अगर आपने एक्स टू जीरो रख दिया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ आपका इसी तरीके से बना लेना है, यहाँ पे थोड़ा 10 का ले लेना है आपको, ठीक है। और यहां पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये एक्स वन इक्वल्स टू आपका 60 रहने वाला है, यहां पर आपका एक्स टू इक्वल्स टू क्या रहने वाला है, आपका 40 रहने वाला है, क्लियर है। तो बस आप ग्राफ में आप जो है 10 का आप लेकर के बना सकते हैं। देखिए 0, 10, 20, 30, 40 करते रहिए साथ साथ, 50, 60, 70, 80, 90, 100, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100। आगे सॉल्व करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, -10, -20, -30, -40, -50, -60, इस तरीके से। अब आपके पास से फर्स्ट क्या है, जीरो पे 60, तो जीरो पे 60 ये रहा, और 90 पे 0, अब 90 पे आपके पास में 0, इसको एक्स वन नाम दे दो और इसको आप एक्स टू का नाम दे दो, जरूरी नहीं वाई होना चाहिए, तो 90 पे आपका 0 ये रहा, इस लाइन को आप इस तरीके से ले, और इसमें आप जो है 0 0 अप्लाई करके देख लो, 0 एंड 0 तो लेस देन, ठीक है ये आपका इधर का, तो ये एरिया आपका क्या बनेगा, आपका ये शेडेड एरिया इधर इस साइड में नीचे बनेगा, क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास में एक्स वन 60 है तो ठीक है भैया, एक्स वन पे जाइए, जब आपने एक्स वन नाम इसका दिया तो एक्स वन 60 है, दिस वन कन्फर्म है, अब इससे ना आगे नहीं पीछे कर सकते हो, तो अब दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो बस यहां पर फिर आपको क्या करना है, आगे पीछे कर नहीं सकते तो एक ही काम कर सकते हो इस पे आप, बस दिस वन। अब जीरो अप्लाई करके देखो यहां पर एक्स वन जरा 0 तो लेस है, ठीक है भैया, ये आपका ये एरिया बन गया, नीचे का सारा एरिया जाएगा दिस वन, ठीक है, ऊपर का छोड़ ही दो, वो तो कॉमन एरिया में आता ही नहीं है। अब आपके पास में एक्स टू 40 है, तो एक्स टू 40 है, तो एक्स टू तो ये लाइन होता है ना, ये 40 दिस वन, अब इसे ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि फिक्स वैल्यू है 40 एक्स टू, तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है जी। पहले मैं लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो, तो फर्स्ट लाइन हमने ये बनाई थी,
सेकेंड लाइन हमने ये बनाई है, थर्ड लाइन हम ये बना रहे हैं, दिस वन, क्लियर है? अब यहां पर आप इसको जीरो पुट करके देखो, 40 पे एक्स टू, 40 हमारे पास पे, तो जीरो पुट करके देखेंगे अगर आप, तो आपके पास में क्या लेस देन आ रहा है, ठीक है, तो ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो कॉमन एरिया में क्या आ जाएगा आपके, आप ये उसको तो आप छोड़ ही दो, वो तो कॉमन एरिया में जा ही नहीं रहा है, दिस वन आपका ये सारा का सारा, आपका ये और ये सारा आपका कॉमन एरिया में, ये सेक्शन आ रहा है, ये भी इधर आएगा ना, ये सारा कॉमन एरिया में आ रहा है। अब उसके बाद में आपके पास में क्वाड्रेटिक फर्स्ट में जाएगा, आपके पास में ये इधर और इधर जाएगा, तो कॉमन एरिया में कौन सा एरिया आपके पास में आ गया, ये एक आपके पास में, एक तो ये जाने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, ये आने वाला है, तो अब आपके पास में जो कॉमन एरिया आया है वो क्या आया है, कॉमन एरिया आपके पास में दिस वन, ये क्योंकि वाला आपको ऊपर बनेगा हमेशा, एक्स वाई जब जीरो होता है ना तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होता है, ये इससे नीचे रहा, ये इससे ऐसे रहा, ठीक है, ये इससे ऊपर रहा, नहीं ये नहीं रहा, बस ये रहा, इसका रहा ये, देख रहे हैं आप जो डार्क वाला, ये बीच वाला, दिस वन, ये आपका क्या रहा, ये आपका कॉमन एरिया रहा। अब आपको पता है कि आपको यहां पर एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आपके जेड फंक्शन की है, तो 15 और 10 का आप अगर एलसीएम लेते हैं तो 30 आपका एलसीएम आएगा, सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 15x1 + 10x2, अगर आप इसका 15 का और 10 का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 30 एलसीएम आएगा, तो जेड इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 30, क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे आप यहां पर, तो वही आपका पास में एक टेबल आपको यहां पर फिर से क्रिएट करना है, एक्स एंड वाई, जब एक्स आपके पास में जीरो रहेगा, एक्स वन और ये सॉरी एक्स टू है, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन जीरो रहेगा तो एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, फिर वही वाली बात आ गई है ना, तो कुछ बड़ी वैल्यू रख देते हैं, फिर आपके एक्स वन आप 20 रख दो, 10 रख दो आप, 10 में तो 100 से ऊपर तो हमारा है ही नहीं, 5 रख देते हैं, 5, जीरो रखेंगे तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, 3, 30 है ना इक्वल टू, ठीक है, नहीं तो आप इसको बड़ा कर दो, एक काम करो, बहुत सारे मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दो, 10 कर दो, क्या हो गया, बहुत सारे मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा ना यहाँ, ताकि हमारे इस रेंज में आ जाए, 100x2 = 300, अब मैं इसका टेबल बना सकता हूँ इजिली, एक्स एंड वाई सॉरी एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन जीरो रख देता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो फिर मेरे पास में एक्स टू की वैल्यू क्या आती है, वही फिर पंगा पड़ेगा, 3, और हमारे पास में एक्स टू जीरो रख दूंगा तो फिर ये मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, 2, कोई नहीं, 0 पे 3 कर लेते, 0 और 10 है तो 3 कहां पर आएगा, 0 पे 3, तो 0 पे 3 यहां पे ये वैल्यू रेड कलर से कर रहा हूं मैं, 0 पे 3 और 2 पे 0, दिस वन, ठीक है, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे,
देखिए आपको मैक्सिमाइज में क्या करना होगा, मैक्सिमाइज में जो आपने अपने एक लाइन ड्रॉ की है जेड फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इससे ऊपर आपको अपना शेडो एरिया बनाना है, ठीक है। और एज अ पैरेलल लाइन ही शिफ्ट करनी है आपको, और पैरेलल लाइन तो आप शिफ्ट करते रहेंगे जब तक करते रहेंगे, बस पैरेलल होनी चाहिए जब तक कि आप अपने शेडेड एरिया से बाहर नहीं जाते हैं। बात करता हूं मैं इस लाइन की, तो ये शेडेड एरिया से बाहर नहीं गया क्योंकि यहाँ पे शेडेड एरिया के अंदर आ गया। अगर आप, मैं इससे ऊपर जाता हूं तो ये मेरा शेडेड एरिया के बाहर चला गया, ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, एक तो लाइन वन और लाइन टू का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लाइन वन लाइन टू का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे आप, टू वेरिएबल इक्वेशन एक्स और वाई के लिए आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है जी, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? तो सभी स्टूडेंट इस बार तो डीयू के ही हैं इसमें, जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।